बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग हु आर यू। इस कहानी की शुरुआत में टॉम नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो पिछले 20 सालों से मेंटल इंस्टीट्यूशन में है और आज 20 सालों के बाद उसे एक महीने के लिए घर भेजा जा रहा है। दरअसल कुछ वक्त पहले उसके पिता ने आत्महत्या कर ली और उसके पिता की मौत के बाद वो अपने पिता की संपत्ति का वारिस है। टॉम के सामने जो साइकाइट्रिस्ट होता है वो टॉम से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पिता ने आत्महत्या क्यों की। टॉम कहता है कि शायद उन्हें पता चल गया था कि मैं घर वापस आ रहा हूं, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। साइकाइट्रिस्ट कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो उसे उसकी दवा देता है और कहता है कि तुम्हें हर वक्त दवा टाइम पर खानी है और तुम्हें अपनी आंखों पर नहीं बल्कि अपने दिमाग पर विश्वास करना है। दरअसल टॉम को सिर्फ एक महीने के लिए आजाद किया गया है लेकिन वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। एक लेडी पुलिस ऑफिसर टॉम को उसके घर ले जाती है। ये घर बहुत ही बड़ा, बहुत ही आलीशान होता है और वो लेडी पुलिस ऑफिसर उसके पैर पर एक डिवाइस लगाती है और बताती है कि अगर तुम घर से बाहर निकले तो हमें पता चल जाएगा, जिसके बाद तुम्हें मेंटल इंस्टीट्यूशन वापस भेज दिया जाएगा। वो उसे एक डिवाइस के पास ले जाती है और बताती है कि हर रोज तुम्हें इस पर कॉल आएगा और अगर 10 बार रिंग होने तक अगर तुमने इसका रिसीवर नहीं उठाया तो हमें पता चल जाएगा कि तुम घर पर नहीं हो। साथ ही कैमरा तुम्हारी एक फोटो भी खींचेगा। और अब टॉम वॉशरूम में जाता है क्योंकि उसे अपने यूरिन का सैंपल देना है और तभी वो देखता है कि उसके सामने एक डॉग है जो कि उसके पिता का डॉग था। वो टॉम के सामने आकर बैठ जाता है पर टॉम को यकीन हो जाता है कि ये सिर्फ उसके दिमाग का भ्रम है और अगले पल वो उसके सामने से गायब हो जाता है। इसके बाद टॉम बाहर आता है जहां पर लेडी पुलिस ऑफिसर होती है। वो उसे यूरिन का सैंपल देता है। वो लेडी पुलिस ऑफिसर कहती है कि अगर तुमने कोई भी गड़बड़ की या मेरी किसी बात को नहीं माना तो तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल वापस भेज दिया जाएगा। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। रात को टॉम घर पर सो जाता है और अगली सुबह फोन रिंग होता है। ये वही डिवाइस है जो पुलिस ऑफिसर ने वहां पर रखा हुआ होता है। वो भागकर जाता है और रिसीवर उठाता है, उसकी फोटो भी खींचती है। इसके बाद टॉम किचन में खाने का सामान देखने के लिए जाता है लेकिन वहां पर बहुत सारा पैक्ड फूड होता है जो उसे नहीं खाना होता, इसीलिए पास के स्टोर में कॉल करके वो अपने लिए फूड मंगाता है। और कुछ ही देर बाद वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम लिन है। वो घर के बाहर ही खड़ी होती है और टॉम जैसे घर के बाहर अपना पार्सल रिसीव करने के लिए अपना वो पैर आगे बढ़ाता है जिसमें डिवाइस लगा है तो वो बीप होना शुरू हो जाता है जिससे टॉम वापस आ जाता है। वो लिन से कहता है क्या तुम मुझे यहाँ पर आकर मेरा पार्सल दे सकती हो। लिन घर के अंदर आ जाती है। वो सुनती है घर में जो म्यूजिक प्ले हो रहा है वो बहुत पुराना है। वो टॉम से कहती है कि तुम इतना पुराना म्यूजिक क्यों सुन रहे हो। टॉम कहता है कि 20 सालों से मैंने कभी कोई म्यूजिक नहीं सुना और मुझे लेटेस्ट म्यूजिक के बारे में कुछ नहीं पता। लिन को टॉम बहुत ही स्ट्रेंज लगता है, उसे नहीं पता होता कि वो मेंटल इंस्टीट्यूशन से इतने सालों के बाद वापस घर आया है, इसीलिए वो उसे और भी सवाल पूछती है जिससे टॉम घबरा जाता है। लिन टॉम से कहती है कि तुम घबराओ मत, मैं तो बस यूं ही सवाल पूछ रही थी। वो उसे उसके पार्सल के साथ एक लेटेस्ट म्यूजिक की सीडी देकर वहां से निकल जाती है। उसके जाने के बाद टॉम उस सीडी को प्ले करता है, साथ ही वो लिन का एक स्केच भी बनाता है। टॉम को हॉस्पिटल के बाद घर की जिंदगी अच्छी लग रही होती है। वो अपने बचपन के वो वीडियोस भी देखता है जो उसके पिता उसके और उसके बड़े भाई के शूट किया करते थे और जब वो वीडियोस देख रहा होता है तभी उसे एक बार फिर से रिंग की आवाज सुनाई देती है। वो पुलिस के उसी डिवाइस के पास जाता है जिस पर उसे हर रोज रिसीवर उठाकर अपना कोड बताना है, लेकिन वो देखता है कि रिंग वहां से नहीं बल्कि दूसरे फोन से हो रहा होता है। वो उस फोन के पास जाता है और फोन का रिसीवर उठाता है और जब वो फोन को कान पर लगाता है तो उसे लगता है कि कोई कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो बोल नहीं रहा। उसे तेज तेज सांसों की आवाज आ रही होती है। वो फोन रख देता है और अब उसे अपने पिता का डॉग एक बार फिर से दिखता है। वो समझ जाता है कि ये उसका भ्रम है। वो अपनी दवा खा लेता है जिसके बाद उसे वो डॉग दिखना बंद हो जाता है। अब रात को टॉम जब अपने कमरे में होता है तो उसे अजीब अजीब सी आवाजें आ रही होती है। दरअसल इस पूरे घर से आवाजें आती है लेकिन टॉम को लगता है कि ये उसके दिमाग का एक भ्रम है। इस बार वो आवाजों को चेक करना शुरू कर देता है और जब वो एलमीरा के पीछे देखता है तो वहां पर एक सीक्रेट टनल होती है। वो उसके अंदर जाता है और उसे पता चलता है कि ये एक ऐसी टनल है जो घर के हर एक कमरे से कनेक्टेड है और हर एक कमरे में झांकने के लिए एक एक होल भी होता है। और जब टॉम उस कमरे में झांकता है जिस कमरे में वो सोता है, वो देखता है कि उस कमरे का दरवाजा अपने आप ही खुल रहा है लेकिन दरवाजे के दूसरी तरफ कोई भी नहीं होता। इससे टॉम डर जाता है। वो घर से बाहर भागने लगता है लेकिन तभी उसके पैर पर जो डिवाइस लगाया गया है वो बीप होना शुरू हो जाता है। वो समझ जाता है कि उसे अंदर जाना होगा नहीं तो उसे मेंटल हॉस्पिटल वापस भेज दिया
किया जाएगा। इसके बाद वो अपनी लेडी ऑफिसर को कॉल करता है। वो यहाँ पर आती है। टॉम उसे सारी बातें बताता है, लेकिन वो टॉम की बातों पर विश्वास नहीं करती। दरअसल ये बहुत ज्यादा रूड होती है। वो उसे फिजिकल अब्यूज करने की भी कोशिश करती है, लेकिन टॉम मना कर देता है, जिससे उस लेडी पुलिस ऑफिसर को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो टॉम से कहती है कि मैं तुम्हारी इस हरकत के लिए तुमसे बदला लूंगी, और वो उसकी दवा लेकर वहां से चली जाती है। टॉम अब बहुत ज्यादा डर चुका है, उसे नींद नहीं आ रही होती, इसीलिए सोने के लिए वो बहुत सारा कफ सिरप पी लेता है। अगली सुबह उठने के बाद वो पूल पर जाता है, जहां पर वो पूल के नीचे तल में बैठ जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान है। और तभी उसे पूल में एक और लड़की दिखाई देती है। ये वही लड़की होती है जिसे टॉम के बड़े भाई ने, जब टॉम और उसका बड़ा भाई छोटे थे, तो इस लड़की को मार दिया था। टॉम ये देखकर घबरा जाता है, और तभी वो स्विमिंग पूल के ऊपर देखता है, जहां पर स्विमिंग पूल का शटर बंद हो रहा होता है। लेकिन इससे पहले कि शटर बंद होता, वो पूल से बाहर निकल जाता और उसकी जान बच जाती है। टॉम स्विमिंग पूल के कंट्रोल पैनल के पास जाता है, जहां पर वो देखता है कि शटर को बंद करने की ऑटो टाइमिंग सेट होती है। वो उस कंट्रोल पैनल का ढक्कन खोलकर उसकी वायर निकाल देता है। तभी वहां पर देखता है कि एक कांच का जार है। वो उस जार को उठाता है, और जब वो ध्यान से अंदर देखता है, तो उसके अंदर किसी की जुबान होती है। उसे लगता है कि ये उसका भ्रम है, इसीलिए वो उस जार को वहीं पर वापस रखकर एक बार फिर से अपने कमरे में आ जाता है, जहां पर एक बार फिर से वो अपने पिता के रिकॉर्डेड वीडियोस को देखना शुरू कर देता है। ये उसके पिता और मॉम की वेडिंग एनिवर्सरी की वीडियो होती है, और जब वीडियो लगातार आगे बढ़ता है, तो तभी वो अचानक से एक दूसरे वीडियो में कन्वर्ट हो जाता है, जहां पर टॉम देखता है कि कमरे में एक लेडी है, जिसके सिर को लोहे के बॉक्स से पूरी तरह से बंद किया गया है, और उस बॉक्स को लॉक किया गया है। टॉम अब उस कमरे में जाता है, जहां पर ये वीडियो कैमरा शूट किया गया था। जब वो वहां का मिरर खोलता है, तो देखता है कि उसके पीछे एक कैमरा होता है। टॉम पूरी तरह से हैरान होता है कि आखिर उसके पिता क्या करते थे, और क्यों वो इस तरह के वीडियोस को शूट करते थे। अब एक बार फिर से टॉम के घर का फोन रिंग होता है, और जब वो फोन के पास जाता है, तो ये फोन उसी नंबर से आया होता है जिससे बार बार उसे फोन आता है, जिसमें दूसरी तरफ से सांसों की आवाज आती है, कोई कुछ नहीं बोलता। ये नंबर होता है 1007। टॉम फोन उठाता है, लेकिन इस बार भी कोई भी दूसरी तरफ से कुछ नहीं बोलता, सिर्फ सांसों की आवाज होती है। टॉम चिल्लाना शुरू कर देता है, और तभी वो देखता है कि उसकी तरफ एक साया बढ़ रहा है, जिसे देखकर टॉम डर कर भाग जाता है, एक जगह छुप जाता है। लेकिन उसे पता होता है कि टॉम कहां पर छुपा हुआ है, और टॉम से कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, तुम बाहर आ जाओ। टॉम बाहर आ जाता है, और तभी वो साया टॉम से कहता है कि तुम मुझसे डर क्यों रहे हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। टॉम देखता है कि ये उसका बड़ा भाई एलेक्स है। एलेक्स टॉम को देखकर बहुत खुश होता है, पर टॉम को अब भी लगता है कि ये उसके दिमाग का भ्रम है। वो अपने बड़े भाई एलेक्स से पूछता है कि तुम अंदर कैसे आए, मैंने दरवाजे को बंद किया था। एलेक्स बताता है कि खिड़की खुली हुई थी, जिससे मैं अंदर आ गया। अब यहां पर पुलिस स्टेशन वाला डिवाइस रिंग होता है। टॉम अपने भाई को कहता है कि मुझे रिसीवर उठाना होगा, नहीं तो पुलिस को पता चल जाएगा कि मैं घर पर नहीं हूं। वो रिसीवर उठाने के लिए जाता, अपना कोड बोलता है, और जब वो वापस आता है, तो देखता है कि उसका बड़ा भाई एलेक्स वहां पर नहीं होता। टॉम समझ जाता है कि ये उसका भ्रम है। टॉम को सोने के लिए बार बार कफ सिरप पीना पड़ता है, क्योंकि उसकी जो मेडिकेशन होती है, वो लेडी पुलिस ऑफिसर अपने साथ ले गई है। टॉम सो जाता है, और जब वो सुबह उठता है, तो देखता है कि पूरा घर बिखरा हुआ है। ऐसा लगता है कि घर की किसी ने तलाशी ली है, उसका बड़ा भाई भी कहीं पर नहीं होता। और तभी टॉम देखता है कि सीक्रेट टनल वाले रास्ते का दरवाजा खुला हुआ है, जिसके पीछे से उसका बड़ा भाई आता है। वो टॉम से कहता है कि घर का तुमने क्या हल कर दिया है, तुम यहाँ पर अकेले थे, सब तुमने किया है। टॉम को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या सच है और क्या भ्रम। तभी फोन रिंग होता है, और ये फोन लिन का होता है, जो उसका खाना डिलीवर करने के लिए उसके पास आई थी। टॉम उससे बात करना शुरू कर देता है, और टॉम को ध्यान आता है कि उसकी दवा उसके स्टोर में जरूर होगी। वो लिन को अपनी दवा का नाम बताता है, और कहता है क्या तुम मेरे लिए दवा ला सकती हो। लिन उसकी बात मान जाती है, और अब टॉम देखता है कि एक बार फिर से उसका बड़ा भाई एलेक्स वहां से गायब हो गया है। कुछ ही देर में लिन वहां पर आ जाती है। लिन जब टॉम के घर में अपने स्केच को देखती है, जो टॉम ने बनाया होता है, तो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। वो टॉम से कहती है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ। टॉम कहता है कि हाँ, और वो उसे न्यूज़पेपर की एक कटिंग दिखाती है, जिसमें लिखा होता है कि टॉम और उसके बड़े भाई एलेक्स ने एक लड़की को मार दिया था, जिसके लिए इन्हें 20 साल की सजा हुई थी। लिन को लगता है कि टॉम ऐसा नहीं है, इसीलिए टॉम से कहती है कि मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहती हूँ।
टॉम बताता है कि जब मैं 13 साल का था तो मैंने एक लड़की को प्रपोज किया था जिसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। मैंने बात अपने बड़े भाई एलेक्स को बताई। उसने कहा कि हमें उस लड़की को सबक सिखाना होगा। वो मुझे एक ब्रिज के पास ले गया जहां पर उसने मेरे हाथों को हथकड़ी से बांध दिया और जब वो लड़की आई तो उसने उस लड़की को डुबा कर मार दिया। इसके बाद एलेक्स मेरे पास आया। उसने कहा कि हम दोनों इस क्राइम में बराबर शामिल हैं। हमने उस लड़की की लाश को छुपा दिया लेकिन उस घटना के बाद मेरा दिमागी संतुलन पूरी तरह से खराब हो गया था। लेकिन मेरे बड़े भाई ने इसके बाद एक और लड़की को मारा जिसमें वो पकड़ा गया और उसका पुराना क्राइम भी सामने आ गया। मेरे भाई को जेल भेज दिया गया और मुझे मेंटल इंस्टीट्यूशन क्योंकि मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। डिन को टॉम की कहानी सुनने के बाद उसके लिए सिंपथी होती है। वो इस जगह पर रुकना चाहती है लेकिन टॉम उसे यहाँ से भेज देता है और तभी टॉम उस कमरे में जाता है जहाँ से उसे अपने पिता की आवाज आ रही होती है। वो देखता है कि वहाँ पर उसके बड़े भाई ने उसके पिता का एक रिकॉर्डेड वीडियो चलाया होता है जो इनके पिता ने आत्महत्या से 5 दिन पहले रिकॉर्ड किया होता है, जिसमें वो बोल रहे होते हैं कि मेरे दोनों बेटे मुझसे दूर हो गए, इस वजह से मेरी पत्नी और मेरी बनना बंद हो गई, वो मुझे छोड़कर चली गई। मैं अपने बच्चों से कभी मिलने नहीं गया लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, खास तौर पर टॉम से। एलेक्स टॉम से कहता है, चलो इतना तो पता चला कि हमारे पिता हमसे प्यार करते थे लेकिन हमारी मॉम हमसे प्यार नहीं करती थी क्योंकि वो कभी हमसे मिलने के लिए नहीं आई। अब वक्त आ गया, हमें उस चीज को ढूंढ लेना चाहिए जिस चीज के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। टॉम कहता है, कौन सी चीज? एलेक्स कहता है कि हमारा खानदानी पैसा जो इसी घर में कहीं छुपा हुआ है। टॉम कहता है, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मैं सिर्फ यहाँ पर अपने 30 दिन अच्छे से बिताना चाहता हूँ जिसके बाद मैं हमेशा के लिए शायद आजाद हो जाऊँ। एलेक्स को उसकी बात बहुत बचकाना लगती है। वो उसे एक पंच मारता है जिससे वो स्विमिंग पूल के अंदर गिर जाता है। जब वो बाहर आता है तो देखता है कि वहां पर एलेक्स नहीं है। वो एलेक्स को घर में ढूंढता है लेकिन एलेक्स कहीं नहीं होता और यहाँ पर टॉम की हालत खराब होना शुरू हो जाती है क्योंकि उसने बहुत वक्त से दवा नहीं ली होती। और तभी वो देखता है कि लेडी पुलिस ऑफिसर भी घर पर आ चुकी है। वो जब टॉम की ऐसी हालत देखती है तो समझ जाती है कि दवा ना लेने की वजह से उसकी हालत ऐसी हुई है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी दवा वापस लेकर आती हूँ और इस जगह से चली जाती है। टॉम लिन की लाई हुई मेडिकेशन खाकर सो जाता है और जब वो उठता है तो देखता है कि घर में उसका भाई कहीं भी नहीं है और अब उसे घर में उसके भाई की बाइक भी नहीं दिखती, जिससे वो समझ जाता है कि वो सब उसका भ्रम था और अब उसने दवा खा ली है इसीलिए सब कुछ ठीक हो चुका है। इस बात से वो बहुत खुश होता है और तभी डोर बेल बजती है। वो देखता है कि लिन एक बार फिर से उससे मिलने के लिए आई है। वो लिन को पसंद करता है, वो लिन को घर के अंदर इन्वाइट करता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं। ये दोनों एक दूसरे के करीब भी आ जाते हैं। लिन इसके बाद वॉशरूम चली जाती है और अब टॉम घर में घूम रहा होता है और तभी घर में उसे कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती है जिससे उसे समझ में आ जाता है कि जो कुछ भी उसके साथ अभी तक हो रहा था वो शायद उसका भ्रम नहीं था, उसमें कुछ हकीकत थी। इसीलिए पूल के पास कंट्रोलिंग पैनल के पास वो जाता है और उसको खोलकर उसके अंदर देखता है जहां पर अब भी वो जार होता है जिसके अंदर किसी की टंग यानी कि जीभ है। टॉम उस जार को वहीं पर तोड़ देता है। उसके अंदर जो लिक्विड होता है वो एक दिशा की तरफ बढ़ने लगता है, वो एक जगह से नीचे जा रहा होता है। टॉम को एहसास होता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है। वो स्टाइल को जब उठाता है तो नीचे एक रास्ता होता है। इसके बाद वो अंदर आता और देखता है कि वहां पर लिन बेहोश है। टॉम जल्दी से लिन को अपनी गोद में उठा लेता है और अब यहाँ पर लेडी पुलिस ऑफिसर भी आ चुकी है। वो देखती है कि टॉम की गोद में एक लड़की है जो कि बेहोश है। उसे लगता है कि टॉम ने इस लड़की को भी मार दिया। वो उसे गन पॉइंट पर ले लेती है लेकिन तभी पीछे से एलेक्स आकर पुलिस ऑफिसर को मार देता है और अब वो टॉम से कहता है कि मैं तुम्हारा भ्रम नहीं हूं बल्कि मैं एक सच्चाई हूं। और अब वो लिन को भी मारना चाहता है लेकिन टॉम उसे बताता है कि मुझे स्विमिंग पूल के पास एक खुफिया रास्ता मिला है, तुम्हें वो देखना चाहिए। एलेक्स जिसे यहाँ पर अपना खानदानी खजाना यानी कि दौलत ढूंढनी है, वो लिन को वहीं पर बांधकर स्विमिंग पूल के उस रास्ते के अंदर नीचे चला जाता है। वहां पर उसे कुछ ऐसा दिखता है जिससे वो पूरी तरह से हैरान होता है। दूसरी तरफ टॉम को दिखाया जाता है जो लिन को आजाद कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, पर इससे पहले कि लिन इस जगह से जाती एलेक्स एक बार फिर से यहाँ पर आ जाता है और वो इन दोनों को मारना शुरू कर देता है। वो टॉम के सामने लिन को मारना चाहता है इसीलिए इन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है लेकिन वो टॉम को बेहोश करके उसी टनल के अंदर फेंक देता है जो स्विमिंग पूल के पास है, जहां पर टॉम को वो बॉक्स भी दिखाई देता है जो एक लेडी के चेहरे पर उसने एक वीडियो में देखा था। और अब यहाँ पर वो देखता है कि उसके भाई की और उसकी बचपन की तस्वीर है। जब उस तस्वीर को उठाता है तो देखता है कि उसके पीछे एक तिजोरी है। वो समझ जाता है कि उनका खानदानी पैसा इसी तिजोरी के अंदर है। वो उसे खोलने की कोशिश करता है लेकिन उसे कोड नहीं पता होता। वो यहाँ की लाइट्स जला देता है और देखता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा बना
बना हुआ है जैसे यहाँ पर कोई रहता हो। वहां पर उसे एक फोन भी दिखता है और जब वो उस फोन से डायल करता है तो वो फोन उसी के घर पर लगता है और इस फोन का नंबर होता है 1007, यानी कि आज तक उसे जो भी कॉल आ रहे थे यहीं से आ रहे थे। और तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है और जब वो पीछे देखता है तो वहां पर एक बूढ़ी लेडी होती है। वो उसे डर कर बाहर चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है और तभी ग्लास के दूसरी तरफ से वो बूढ़ी लेडी उसे अपनी अंगूठी दिखाती है जिससे वो समझ जाता है कि ये उसकी मॉम है। वो अपनी मॉम के पास जाता है जिन्हें चेन से बांधा गया था। वहां पर उसकी चाबी भी होती है और वो चाबी से उन्हें आजाद कर देता है। दरअसल टॉम की मॉम कभी भी उसके पिता को छोड़कर नहीं गई थी बल्कि उसके पिता भी एक साइको थे जिसने अपनी पत्नी को यहाँ पर कैद करके रखा था और जो टंग जो जीभ उसे उस जार के अंदर मिली थी वो और किसी की नहीं बल्कि टॉम की मॉम की थी। वो बार बार ऊपर उसे कॉल करती थी लेकिन उनकी जबान ना होने की वजह से वो कुछ भी बोल नहीं पाती थी। टॉम को सिर्फ उनकी सांसों की आवाज आती थी। अब यहाँ पर एलेक्स भी लिन को लेकर आ जाता है और वो अपनी मॉम को देखकर अपने गले से लगा लेता है पर तभी हमें गोली चलने की आवाज आती है। दरअसल एलेक्स ने अपनी मॉम को गोली मार दी होती है और इसके बाद वो टॉम को कहता है कि अगर तुमने उस तिजोरी को सेफ को नहीं खोला तो मैं लिन को भी गोली मार दूंगा। टॉम उसे खोलने की कोशिश करता है लेकिन उसे कोड नहीं पता होता और तभी वो 1007 नंबर डायल करता है जो कि उस टेलीफोन का भी होता है जिससे उसे उसकी मॉम बार बार कॉल किया करती थी और सेफ खुल जाता है जिसके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं। इसके लिए एलेक्स जेल से भागकर वापस इस घर में आया है। अब जब एलेक्स पैसे निकाल रहा होता है तो टॉम उसके ऊपर हमला कर देता है। इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है और इसी हाथापाई में गोली चलने की वजह से ऊपर का पाइप लीक हो जाता है और स्विमिंग पूल का जो पानी होता है वो इस जगह पर भरना शुरू हो जाता है। इसके बाद लिन और टॉम इस जगह से निकलने की ऊपर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन एलेक्स नीचे से टॉम का पैर पकड़ लेता है। वो किसी तरह से अपना पैर छुड़ाकर ऊपर चला जाता है। अब इस जगह पर पूरी तरह से पानी भर चुका है। एलेक्स भी इस जगह से निकलना चाहता है लेकिन उसकी मॉम जो कि जख्मी है वो एलेक्स को वहीं पर पकड़ लेती है जिससे वो दोनों वहीं पर डूब जाते हैं। टॉम और लिन घर से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वहां पर पुलिस आ चुकी है। पुलिस टॉम से पूछती है क्या ये घर तुम्हारा है। टॉम कहता है कि हाँ अब ये घर मेरा है। टॉम को पता है कि वो पूरी तरह से अब बच सकता है क्योंकि उसके साथ लिन है। अगर लिन उसके साथ नहीं होती तो शायद उसकी बात पर कभी कोई विश्वास नहीं करता। और इसी के साथ ये फिल्म ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।